दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। आज हम बताने वाले हैं आपको कि टेक्निकल ड्राइंग आपको कैसे पढ़ना है, सर्किट आपको टेक्निकल ड्राइंग में कैसे बनाना है, क्योंकि बिना सर्किट बनाए आप पास नहीं हो पाएंगे। और अगर आपको सर्किट बनाना है कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये सारी बातें जानना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बता दूं, टेक्निकल ड्राइंग आपके लिए यूनिक सब्जेक्ट है, पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट सेमेस्टर के क्रैश कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर पे कॉल करके आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। फीस आपके सामने 299 रुपीस का रखा गया है यहां पे। ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर के पूरे कंप्लीट कोर्स की फीस है, ठीक है। आइए बात करते हैं दोस्तों टेक्निकल ड्राइंग में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि टेक्निकल ड्राइंग में जो आप लोगों के जो टेक्निकल वाला पोर्शन है, मतलब जो ड्राइंग का इलेक्ट्रिकल वाला पोर्शन एक तरीके से आप कह सकते हैं, उस पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। इसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। जैसे कि इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा लॉजिक गेट, ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों रेडियो रिसीवर, ठीक है। ये हमने दो टॉपिक इसलिए लिखा है क्योंकि इन दो टॉपिक से हर बार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप देखिए कि रेडियो रिसीवर वाला जब आप डायग्राम बनाएंगे तो चाहे आप सुपर हेटरोडाइन रेडियो रिसीवर बनाइए या फिर आप ट्यून्ड रेडियो रिसीवर बनाइए, ठीक है, जिसको हम TRF के नाम से जानते हैं, ये आपके जो क्वेश्चन आते हैं इसमें अगर आप चाहिएगा कि हर एक ब्लॉक के बारे में हम लिखें तो ये पॉसिबल नहीं है और आपको हर एक ब्लॉक के बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको सीधे बताता हूं, बस आपको किस चीज से मतलब है उसको ध्यान से सुनिए। बस आपको जो है उसके डायग्राम से मतलब है, बस उसका आपको ब्लॉक डायग्राम याद होना चाहिए। हर एक ब्लॉक में हम कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को रखेंगे इस बारे में आप लोगों को जरूर ध्यान होना चाहिए। वो क्या करता है क्या नहीं करता है उसके बारे में डिटेल जानकारी आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में खुद ही मिल जाएगी। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको खुद ही उसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी मिल जाएगी। लेकिन इस सेमेस्टर में बस आपका मेन इंपॉर्टेंस ये है कि जितनी आपकी इलेक्ट्रिकल सर्किट आपके सिलेबस में दी हुई है, चाहे आपके सिलेबस में दोस्तों फ्लिप फ्लॉप दिया हुआ हो या फिर आपके में लॉजिक गेट दिया हुआ हो या फिर रेडियो रिसीवर दिया हुआ हो या फिर आपका ट्रांसमीटर दिया हुआ हो या फिर आप लोगों का एंटीना हो, ठीक है, बहुत सारे ऐसे मैंने सिलेबस के बारे में ऑलरेडी अलग से वीडियोस बना रखी हैं। तो आपको जो है सिर्फ और सिर्फ इन चीजों पे फोकस करना है कि हमको सही सही बनाने आना चाहिए। अब फ्लिप फ्लॉप में आप लोगों को पूरा डिटेल में फ्लिप फ्लॉप पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि भैया फ्लिप फ्लॉप जो होता है आपका ये इतने टाइप के होते हैं आपके, और जेके फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम ऐसे बनेगा, RS फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम ऐसे बनेगा, D फ्लिप फ्लॉप ऐसे बनेगी, T फ्लिप फ्लॉप ऐसे बनेगी, ऐसे आप लोगों को बस जानकारी होना चाहिए। और जो आपके ब्लॉक होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसमें ब्लॉक में क्या क्या लिखना है ये सारी चीजें आपका तैयार होना चाहिए। और इसके अलावा जो कि आपका जो नॉर्मल इंजीनियरिंग ड्राइंग का पोर्शन है, आपको पता है कि आपके टेक्निकल ड्राइंग में कुछ आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी पोर्शन ऐड हुआ है, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला पोर्शन है और जो टेक्निकल ड्राइंग है दोनों आप लोगों को मिला करके चलना है, जैसे कि मान लीजिए कि अक्षरण है लेटरिंग वाला आप लोगों का जो है वो है आपका, या फिर ड्राइंग से जो एक थ्योरी आती है कि ड्राइंग हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है, ड्राइंग के महत्वपूर्ण उपकरणों को लिखिए, तो उसके बारे में जो लिखना है ना वो बिल्कुल आप लोग को नीट एंड क्लीन लिखना है। और जो भी आप ड्राइंग बनाइए, चाहे आप सर्किट का ड्राइंग बनाइए या फिर आप नॉर्मल कोई भी ड्राइंग बनाइए, तो आप एक बात का जरूर ख्याल रखिए कि आपकी सीट जो है वो गंदी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब आप सीट पे बनाते हो तो आपको ये कोशिश करना है कि गलत कोई सर्किट ना बने, कोई सर्किट गलत अगर बन जाता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए आप जब ब्लॉक में लिखो नाम तो आप तभी लिखो जब आप 100% श्योर हो जाओ कि इसमें जो हम लिख रहे हैं वो सही है और फिर वो दोबारा गलत नहीं हो सकता, क्योंकि जब वो गलत होगा तो फिर आपको मिटाना पड़ेगा जिससे कि आपके लिए बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो इंपॉर्टेंट के लिए मैं अलग से वीडियो बना रखा हूं, टेक्निकल ड्राइंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय पांडे जी टेक्निकल 2.0 आप सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। बाकी आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए और टेक्निकल ड्राइंग में हम पूरा फुल आपको सपोर्ट करेंगे। बाकी जो भी स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर के क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, नंबर पे कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।